गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन द एड्रेस बाय मार्गा मिनको विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ 10+1। तो वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट थ्री पैराग्राफ ऑफ द डिटेल समरी ऑफ द लेसन। Now we are going to discuss furthermore। तो हमने यहां तक पढ़ा था कि जो मिसिज डॉर्लिंग है उसने नरेटर को टाइम दिया था या टाइम नहीं दिया था, बस उसको ये बोला था कि वो अभी उसके पास समय नहीं है बात करने के लिए, वो कभी किसी और टाइम पे आए तभी वो उससे बात कर पाएगी। उसका सीधा सीधा सा मतलब ये था कि वो नरेटर से मिलना नहीं चाहती और जो वस्तुएं वो नरेटर के घर से लेके आई थी उसकी माँ से युद्ध के समय में, तो उन वस्तुओं को वो अभी इस समय नहीं देना चाहती। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम बैक। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि काफी लंबा समय जो है बीत गया था नरेटर को इंतजार करते हुए। द नरेटर हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर। तो वहां पर जाने के लिए काफी इंतजार वो कर चुकी थी वर्णनकर्ता। इनिशियली सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। इनिशियली इस समय जो है उसकी इच्छा नहीं थी नरेटर की कि वो उन वस्तुओं में उसका कोई जो है रुचि नहीं रही थी, वो उनको लेके जाना नहीं चाहती थी जो कि उसने अपना घर में भर लिया था उस सामान को। शी वॉज अफ्रेड ऑफ सीइंग द थिंग्स। बल्कि वो उन वस्तुओं से डर था कि वो उन वस्तुओं को देखकर विच वुड ब्रिंग बैक पेनफुल मेमोरीज, जिससे उसकी जो यादगार हैं जो कि बहुत ही पीड़ादायक हैं वो वहां पे लेके जाएगी वो वस्तुएं उसको। बट वन डे, परंतु एक दिन सी फेल्ट क्यूरियस, वो जो है जिज्ञासु महसूस हुआ उसको अबाउट ऑल दोज थिंग्स, उन सभी वस्तुओं के बारे में। एंड हैड डिसाइडेड टू मीट मिसेस डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग से मिलने का उसने दूसरी बार निर्णय लिया। आफ्टर हर फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस, की जो उसकी पहली विजिट थी, दौरा था उसका पहला, वो व्यर्थ गया था मिसिज डॉर्लिंग के घर पे जब वो गई, क्योंकि उसने उससे बात नहीं की। द नरेटर डिसाइड्स टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। अब वर्णनकर्ता ने निर्णय लिया कि वो दूसरी बार उससे मिलेगी या दूसरी बार उससे मिलने की कोशिश करेगी। दिस टाइम ए गर्ल ऑफ 15 ओपन्स द डोर। तो इस बार एक 15 वर्षीय लड़की ने जो है दरवाजा खोला। शी टेल्स हर दैट हर मदर इज नॉट एट होम। उसने बताया नरेटर को कि उसकी माँ घर पे नहीं थी या नहीं है। द नरेटर गोज इनसाइड द हाउस। अब जो नरेटर है वो घर के अंदर गई। शी फाइंड्स हरसेल्फ इन ए रूम। उसने खुद को एक कमरे में पाया। सडनली सीज ए नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड हर। अचानक उसने बहुत सारी वस्तुएं जो कि जानी पहचानी वस्तुएं थी वो उसको वहां पे मिली। शी सिट्स डाउन। वो वहां पे बैठ गई। एंड स्टेयर्स एट द टेबल क्लॉथ। और जो मेज के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था उस कपड़े की तरफ वो घूरने लगी। सी रब्स हर फिंगर ऑन द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। तो उसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ था, जो पंक्तियों में पैटर्न बना हुआ था, एक क्या कह सकते हैं पैटर्न को हम कह सकते हैं जो प्रतिरूप कह सकते हैं, तो प्रतिरूप जो है जो बना हुआ था वो उसके ऊपर अपनी उंगलियां जो है रगड़ने लगी।
सी फाइंड्स द बर्न मार्क सी हैड बीन फैमिलियर विद। तो उसको जो है वो जला हुआ निशान वहां पे मिला जो कि जिससे कि वो परिचित थी। देन द गर्ल ब्रिंग्स टी फॉर हर। तो फिर मिसिज डॉर्लिंग की जो लड़की है वो उसके लिए चाय लेके आती है। सी ओपन्स ए बॉक्स। वो एक बक्सा खोलती है एंड टेक्स सम स्पून्स आउट। और कुछ चम्मच वहां से निकालती है। द नरेटर रिकॉल्स द बॉक्स। अब नरेटर जो है उसको ये बॉक्स जो है बक्सा जो है याद आ जाता है। द टेबल क्लॉथ, जो टेबल क्लॉथ है वो भी याद आ जाता है। एंड अदर थिंग्स, और जो बाकी वस्तुएं हैं वो भी इन द रूम, कमरे के अंदर। ब्रिंग मैनी फोंड मेमरीज टू हर, और बहुत सारी यादों को जो है वो ले आता है उस तक, नरेटर तक। सी आस्क द गर्ल अबाउट द सिल्वर कटलरी। तो जो काटने की वस्तुएं वहां पे रखी हुई थी उससे, उनके बारे में जो है वो नरेटर जो है उस लड़की से पूछती है। द गर्ल वॉन्ट्स टू शो हर दीज थिंग्स। अब वो लड़की जो है वो वस्तुएं नरेटर को दिखाना चाहती है। हाउएवर यद्यपि सडनली द नरेटर रिमेंबर्स दैट सी हैज टू कैच द ट्रेन। लेकिन अचानक उसको याद आ जाता है कि जो नरेटर है उसको गाड़ी पकड़नी है, रेलगाड़ी जो है उसका समय हो गया है। सी डज नॉट वॉन्ट टू लुक एट द फेमिलियर थिंग्स एनी लॉन्गर। अब वो उन परिचित वस्तुओं की तरफ जो है ज्यादा समय तक नहीं देखना चाहती। दीज विल ओनली ब्रिंग पेनफुल मेमरीज बैक। वो केवल उसके लिए जो है पीड़ादायक यादों को ताजा कर रही है जो जिनको वो भुला चुकी थी। सी लीव्स द हाउस। वो घर को छोड़ देती है एंड कम्स आउट, और बाहर आ जाती है। सी रिजॉल्व्स टू फॉरगेट एवरीथिंग। वो उन बातों को, उन चीजों को जो भी वहां पे हुआ उन सब के बारे में भूलना चाहती है। अबाउट हर मदर्स बिलोंगिंग्स, जो उसकी माँ की वस्तुएं थी उन सभी चीजों को वो भूलना चाहती है। तो इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज वार कमेंट। तो जो एड्रेस है, एड्रेस जो कहानी है वो मानवीय जो दुविधा होती है युद्ध के पश्चात, मानव के मन में जो है बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो क्या ये कहानी जो है उसके बारे में है, तो इसके बारे में हमें टिप्पणी करनी है। दिस इज ए टचिंग स्टोरी। ये कहानी जो है एक बिल्कुल ही मर्मस्पर्शी है, हृदय को छू लेने वाली है। इट टेल्स अस हाउ वार इफेक्ट्स द पीपल ऑफ कॉमन लाइफ, इफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। ये हमें बताती है कि युद्ध कैसे आम आदमी के जीवन को जो है प्रभावित करता है। Often people have to leave their cities and countries because of war. Mostly या oftenly या अक्सर जो है लोगों को अपना शहर या देश जो है वो छोड़ना पड़ता है युद्ध के कारण। They have to leave their belongings behind. उनको अपनी वस्तुएं भी छोड़नी पड़ती हैं पीछे। The narrator of the story is a young girl. अब जो वर्णन करता है इस कहानी का वो एक युवा लड़की है। Her family also suffered and ऑन अकाउंट ऑफ द वॉर। उसका परिवार भी जो है युद्ध का ही एक जो कारण है, युद्ध के कारण जो है वो भी उनको भी सहन करना पड़ता है। दे हैड टू लीव देयर नेटिव प्लेस इन होलैंड बिकॉज ऑफ वॉर। उनको अपना ये जो पैतृक स्थान है वो छोड़ना पड़ता है युद्ध के कारण। द नरेटर्स मदर वुड नेवर फॉरगेट हर होम एंड हर बिलोंगिंग्स। अब जो नरेटर की माँ है वो अपने घर को और अपनी वस्तुओं को भूल नहीं पाती। बिफोर दी ऑन सेट ऑफ दी वॉर सी हैड गिवन हर बिलोंगिंग्स टू ए मैन टू ए वुमेन। तो युद्ध के आरंभ होने से पहले जो है वो बहुत सारी वस्तुएं अपनी एक औरत को दे देती है जिसका नाम होता है मिसिज डॉर्लिंग। देन मैनी ईयर्स आफ्टर द वॉर, और उसके बाद काफी वर्षों के पश्चात युद्ध के, द नरेटर कम्स बैक टू दैट सिटी। अब नरेटर जो है उस शहर में आती है। हर मदर हैज गिवन हर द एड्रेस ऑफ द वुमेन। उस औरत का
जो पता है वो दिया था, जो वर्णन करता है उसको उसकी माँ ने। द पर्पज ऑफ हर विजिट इज टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग एंड रिवाइव हर मेमरीज। जो उसकी उसके दौरे का जो उद्देश्य था वो उसकी माँ की वस्तुओं को देखना और अपनी यादें ताज़ा करने का उद्देश्य था। सी कम्स द टू द वुमेन्स हाउस। वो उस औरत के घर पे जाती है। सी फाइंड्स सर्टेन थिंग्स विच सी रिकॉग्नाइजेज। वो बहुत सारी वस्तुएं वहाँ पे पाती है जिनको वो पहचान लेती है। दीज थिंग्स ब्रिंग बैक पेनफुल मेमोरीज। ये वस्तुएं जो हैं वो पीड़ादायक यादों को ताज़ा कर देती हैं। सो सी डज नॉट वेट टू सी मोर थिंग्स। इसीलिए वो और वस्तुओं को नहीं देखना चाहती या उनके लिए इंतजार नहीं करना चाहती। एंड लीव्स द हाउस। और घर को छोड़ देती है। दस द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज वार। तो इस प्रकार ये कहानी जो है हमें दुविधा के बारे में बताती है जो कि मानव बाद में सहन करता है युद्ध के